नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड के मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्र से मांगे सुखाड़ राहत के पैसा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के साथ झारखंड के स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने ऑनलाइन बैठक की। इस दौरान मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्र सरकार से सुखाड़ राहत का 9600 करोड़ रुपये देने की मांग की है। साथ ही केंद्रीय मंत्री से बन्ना गुप्ता ने कई जरूरी मांग की है। बता दें, झारखंड के स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में झारखंड को सुखाड़ राहत का 9600 करोड़ की राशि जल्द राज्य को निर्गत करने की मांग मंत्री बन्ना गुप्ता ने की है। उन्होंने कहा है कि पिछले दिनों झारखंड भीषण सुखाड़ की चपेट में रहा है। राज्य के 226 प्रखंडों में पिछले मानसून के दौरान सामान्य से काफी कम बारिश की वजह से खेती बाड़ी तबाह हो गई और अन्नदाताओं की कमर टूट गई। बता दें, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने अपने स्तर से प्रति किसान 3500 रुपये की मदद दी है, लेकिन जिस तरह का नुकसान किसानों को हुआ है वह काफ़ी अधिक है। ऐसे में केंद्र सरकार को राज्य सरकार को सुखाड़ राहत का बकाया 9600 करोड़ रुपये जल्द निर्गत कर देना चाहिए। बैठक के दौरान स्वास्थ्य एवं आपदा मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि राज्य की ओर से सुखाड़ राहत के लिए सभी प्रक्रिया पूरी कर केंद्र को भेजे जाने के बावजूद अभी तक सुखा राहत की राशि नहीं दी गई है। मुख्यमंत्री गुरुवार को 2550 युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को मोराबादी मैदान में 2550 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। मुख्यमंत्री पंचायती राज विभाग के अंतर्गत पंचायत सचिव के पद के लिए 1633, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग अंतर्गत निम्न वर्गीय लिपिक पद के लिए 707, वित्त विभाग अंतर्गत निम्न वर्गीय लिपिक पद के लिए 166 एवं खाद्य आपूर्ति विभाग अंतर्गत 44 युवाओं को निम्न वर्गीय लिपिक पद के लिए नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसके लिए जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम की तैयारी के लिए जिला स्तरीय बैठक उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में हुई, जिसमें नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। झारखंड के 14 जिलों में वज्रपात की चेतावनी। झारखंड में मानसून के प्रवेश के साथ ही राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं रांची सहित 14 जिलों में अगले कुछ घंटों के अंदर तेज गर्जन के साथ वज्रपात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सतही हवा चलने के ऑरेंज अलर्ट मौसम केंद्र रांची ने जारी किया है। बता दें, मौसम केंद्र रांची ने जिन जिलों के लिए वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है उनमें हजारीबाग, कोडरमा, लातेहार, बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गुमला, जामताड़ा, खूंटी, लोहरदगा, रामगढ़, सरायकेला, खरसावा, पश्चिमी सिंहभूम जिला शामिल है। मौसम केंद्र रांची द्वारा जारी तत्कालीन मौसम चेतावनी में मध्यम दर्जे के मेघ गर्जन, वज्रपात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सतही हवा चलने का अलर्ट जारी किया गया है। पटना रांची वंदे भारत में उद्घाटन के मौके पर फ्री में सफर करेंगे स्कूली बच्चे। पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस के 27 जून से शुरू होने की संभावना है। रांची जंक्शन पर दिन के 11 बजे इस ट्रेन को पटना के लिए रवाना करने की तैयारी की जा रही है। उद्घाटन के मौके पर चयनित 10 स्कूली बच्चे को फ्री में रांची से पटना तक का सफर कराया जाएगा। इसके अलावा चयनित 10 स्कूली बच्चे उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान हरी झंडी दिखाने के समय मौजूद रहेंगे। बता दें, रांची रेल मंडल ने इन बच्चों के चयन की तैयारी शुरू कर दी है। बच्चों का चयन निबंध, पेंटिंग और कविता प्रतियोगिता के आधार पर किया जा रहा है, जिसमें वर्ग 7, 8, 9 और 10 के बच्चे शामिल हो सकेंगे। दक्षिण पूर्व रेलवे रांची के वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी मानिक शंकर ने स्कूलों को चिट्ठी भेजकर इस संबंध में प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित कर बच्चों का चयन करने के लिए कहा है। बकरीद पर झारखंड पुलिस अलर्ट। बकरीद के दौरान लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए उपायुक्त रामनिवास यादव ने बुधवार को जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक की। बैठक में डीसी रामनिवास ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को 27 जून तक अपने अपने थाना क्षेत्र में शांति समिति की बैठक कर शांति की अपील करने का निर्देश दिया। डीसी ने सभी थाना प्रभारी और बीडीओ को निर्देश दिया है कि बकरीद पर्व के दौरान सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखी जाए। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर कोई आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करता है तो उसके खिलाफ तत्काल सुसंगत धाराओं में कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। वहीं मीटिंग के दौरान सभी थाना प्रभारी और बीडीओ ने बीते सालों में बकरीद के अवसर पर अपने इलाके में हुई अप्रिय घटनाओं के बारे में मॉनिटरिंग की जानकारी दी है। झारखंड में भाजपा की सरकार बनेगी तो किसानों को फ्री में बिजली के साथ बालू भी मुफ्त। झारखंड में भाजपा की सरकार बनी तो किसानों को बिजली फ्री में मिलेगी, इसके साथ ही घरेलू काम के लिए बालू भी फ्री कर दिया जाएगा।
सारठ विधायक रणधीर सिंह ने एक सम्मेलन में यह ऐलान किया है। दरअसल चितरा के शहरजोरी स्थित ऑडिटोरियम हॉल में सारठ विधानसभा स्तरीय लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सारठ विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सम्मेलन में विधायक रणधीर सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल पूरे होने पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि 9 वर्षों में लाखों लाभुक हैं जिन्होंने मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है। गिरिडीह के गांवा में वज्रपात से 2 महिला समेत 3 की मौत। गिरिडीह जिले के गांवा थाना क्षेत्र स्थित पछियारीडीह में बुधवार की शाम वज्रपात से 2 महिला की मौत हो गई। वहीं बिरनी थाना इलाके के तेतरिया सलेडीह पंचायत के लकड़गढ़ा में 1 व्यक्ति की मौत हो गई। 3 लोगों की मौत से दोनों गाँवों में मातम पसर गया। बताया गया है कि गांव थाना क्षेत्र के पछियारीडीह गांव की 24 वर्षीय सीमा देवी पति प्रकाश यादव और 19 वर्षीय निभा देवी पति गोविंद यादव घर से कुछ दूरी पर मौसियों के लिए घास लेने गई थी। इसी बीच अचानक तेज हवा के साथ बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए दोनों महिला एक बोरिंग कमरे के पास गई, वहीं अचानक तेज हवा के साथ वज्रपात होने से इसकी चपेट में आ गई। रघुवर दास का सीएम हेमंत पर निशाना, बोले इनके लिए योग महत्वपूर्ण नहीं। 21 जून को पूरे विश्व में योग दिवस मनाया गया। करोड़ों लोगों ने योगाभ्यास किया। भारत के साथ साथ यूनाइटेड नेशन से लेकर यूरोप, अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया आदि महाद्वीप के अधिकतर देशों में यह कार्यक्रम बहुत ही उत्साह से मनाया गया। लेकिन सीएम हेमंत सोरेन के रांची के मेकॉन स्टेडियम में आयोजित योग कार्यक्रम में शामिल नहीं होने पर पूर्व सीएम रघुवर दास ने निशाना साधा है। पूर्व सीएम रघुवर दास ने कहा कि मंगलवार को यह सूचना आई थी कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी राजधानी के मेकॉन स्टेडियम में योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और खुद भी योगाभ्यास करेंगे। वहीं बुधवार सुबह 6 बजे से यह कार्यक्रम होना था। कार्यक्रम हुआ भी पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उसमें उपस्थित नहीं हुए। वैसे बाद में हुई कई सरकारी बैठकों में उन्होंने हिस्सा लिया। इससे स्पष्ट है कि उनकी तबीयत ठीक है। रांची के मेकॉन स्टेडियम में हुआ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश दुनिया में योग के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। झारखंड में भी इस दिन को बेहद उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। झारखंड के लोगों के उत्साह का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि रिमझिम बारिश के बीच भी लोग योग करते रहे। बता दें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राजकीय कार्यक्रम रांची के मेकॉन स्टेडियम में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, राज्यसभा सांसद महुआ मांझी, वहीं भाजपा विधायक समीर लाल, अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह, औषधि नियंत्रक ऋतु सहाय उपस्थित थे। अमीषा पटेल को 10 जुलाई को उपस्थित होने का आदेश। बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल 21 जून को रांची के सिविल कोर्ट में पेश नहीं हुई। उनके वकील के द्वारा एक पिटीशन दाखिल की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ कारण की वजह से वह 21 जून को सशरीर उपस्थित नहीं हो सकी। सीआरपीसी की धारा 317 के तहत यह आवेदन किया गया। जस्टिस डीएन शुक्ला की अदालत ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए आवेदन को स्वीकार कर लिया और अब अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। लोकसभा चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने बनाया 9-4-1 का फॉर्मूला। लोकसभा चुनाव में झारखंड कांग्रेस 2019 संसदीय चुनाव के मुकाबले 2 सीटें ज़्यादा लड़ना चाहती है। मिली जानकारी के अनुसार पार्टी ने 9-4-1 के फॉर्मूला पर 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल 9 सीटें कांग्रेस अपने पास रखना चाहती है, जबकि 4 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा और मात्र 1 सीट राजद को देने के पक्ष में है। हालांकि झामुमो या राजद से कांग्रेस की अभी सीट शेयरिंग पर बात नहीं हुई है, लेकिन पार्टी के सीनियर नेताओं ने महागठबंधन की बैठक में यह संकेत दे दिए हैं। 22 जून को आयसू पार्टी का संकल्प दिवस। आयसू पार्टी गुरुवार 22 जून 2023 को पूरे राज्य में संकल्प दिवस मनाएगी। संकल्प दिवस को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। गुरुवार को होने वाले कार्यक्रम को लेकर आयसू पार्टी के केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देव शरण भगत ने कहा है कि संकल्प दिवस के अवसर पर राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में संकल्प सभा का आयोजन किया जाएगा। साथ ही केंद्रीय कार्यालय में मिलन समारोह का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें आयसू प्रमुख सुदेश कुमार महतो मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। वहीं केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देव शरण भगत ने कहा है कि झारखंड एवं झारखंडियों का परिचय स्थापित और अमिट रहे, इसको लेकर आयसू पार्टी कृत संकल्पित है। 8वीं पास ट्रक का खलासी बना साइबर क्रिमिनल। जामतवा के बाद अब देवघर साइबर क्रिमिनल का सेफ जोन बनता जा रहा है। हर दिन यहां से साइबर क्राइम से जुड़ी खबरें आ रही है।
इसी कड़ी में सीआईडी और देवघर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए देवघर से दो साइबर क्रिमिनल की गिरफ्तारी हुई है। बता दें, आठवीं पास एक ट्रक का खलासी साइबर क्रिमिनल बना और रिटायर्ड जीएम को निशाना बनाते हुए उनके बैंक अकाउंट से 2 लाख रुपए की ठगी कर ली है। अब रांची में सीआईडी के डीजी अनुराग गुप्ता ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि रिटायर्ड जीएम आभास कुमार के खाते से 2 लाख रुपए से अधिक की निकासी फर्जी तरीके से की गई थी। बताया कि आभास कुमार ऑनलाइन फ्लाइट का टिकट बुक कर रहे थे, लेकिन तकनीकी दिक्कत आने पर उन्होंने गूगल से कस्टमर केयर का नंबर निकालकर कॉल किया। हजारीबाग के 200 सरकारी स्कूलों में नहीं खरीदे गए बेंच डेस्क। उत्तरी छोटा नागपुर का प्रमंडलीय मुख्यालय जिला हजारीबाग के 200 सरकारी स्कूलों में करीब 2400 बेंच डेस्क की खरीदारी 30 जून 2023 तक करानी है। अब 9 दिन ही बचे हैं। अब तक एक भी स्कूल ने बेंच डेस्क की खरीदारी नहीं की है। बता दें, बेंच डेस्क की खरीदारी कर सभी स्कूल को झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यालय में उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करना है। बुधवार तक एक भी उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं हुआ। सरकार ने मई महीने के शुरुआत में हजारीबाग जिले को 2.50 करोड़ आवंटित किया है। इसमें अब तक 2,19,55,000 की राशि कई स्कूलों को भेजी गई। जरूरत के अनुसार स्कूल को बेंच डेस्क की खरीदारी करनी है। गुमला में मनरेगा कार्य को लेकर हिंसक झड़प, 7 गिरफ्तार। गुमला जिला के चैनपुर प्रखंड में मनरेगा कार्य को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई। इस दौरान गोली चली और तलवार भी भाजी गई। इतना ही नहीं, भुजाली और डंडा से भी हमला किया गया। इस हमले में कलिंदर खान एवं नादिमुल्लान खान घायल हो गए। दोनों की नाजुक स्थिति को देखते हुए रिम्स रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस ने 7 हमलावरों को गिरफ्तार भी कर लिया है। जानकारी के अनुसार डहुडड गाँव में मंगलवार की रात अजमल खान उर्फ मंटू एवं शकील खान के बीच पूर्व से ही चल रहे विवाद को लेकर हुई वर्चस्व की लड़ाई हिंसक झड़प में बदल गई। पलामू के सीआरपीएफ कैंपस में सैकड़ों लोगों ने किया योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर 21 जून को केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय डाल्टनगंज द्वारा सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 134वीं वाहिनी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के परिसर में मंगलवार को करीब 500 लोगों ने योग प्रशिक्षण के नेतृत्व में कॉमन योगा प्रोटोकॉल का अभ्यास किया। पतंजलि योग पीठ की ममता सिन्हा एवं आर्ट ऑफ लिविंग की रागिनी जी एवं उनकी टीम ने योगा अभ्यास का नेतृत्व किया। इससे पहले सोमवार की शाम 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन भी हुआ। 22 जून को 23 एक्सप्रेस ट्रेन रद्द। खड़गपुर रेल मंडल के भद्रक रूट पर चलने वाली 23 एक्सप्रेस ट्रेनें गुरुवार 22 जून 2023 को रद्द रहेंगी। बता दें, खड़गपुर भद्रक सेक्शन के बहनागा बाजार स्टेशन में ट्रैक रख रखाव एवं मेंटेनेंस कार्य के कारण 23 ट्रेनों को रद्द किया गया। वहीं पूरी योग नगरी ऋषिकेश पूरी उत्कल एक्सप्रेस ट्रेन का रूट बदला गया है। ये ट्रेन परिवर्तित मार्ग कटक संबलपुर सिटी झारसुगुड़ा रोड ईब होकर चलेगी। इस बात की जानकारी दक्षिण पूर्व रेलवे ने रेल मंडल को दी है। खरसावा के कुचाई खूंटी मार्ग में पिकअप पलटा, 18 घायल। खरसावा के कुचाई खूंटी मार्ग पर कुचाई प्रखंड के सीमावर्ती रोला हेतु पंचायत के बदानी में सवारियों से भरी पिकअप वैन पलटने से 18 लोग घायल हो गए। घायलों में अधिकांश बच्चे हैं। घायलों का उपचार कुचाई CHC में किया जा रहा है। बताया गया कि शादी समारोह से वापस लौटने के दौरान बाइक सवार को बचाने के चक्कर में दुर्घटना हुई है। जानकारी के अनुसार कुचाई के चात मसाह गांव में आयोजित एक शादी समारोह से वापस लौटने के दौरान बढ़ानी के पास सामने आ रही एक बाइक को बचाने के चक्कर में पिकअप वैन पलट गया। गौ सेवा के अध्यक्ष राजीव रंजन। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद ने बुधवार को पशुपालन निदेशालय के सभागार में अध्यक्ष का प्रभार लेने के बाद सख्त संदेश देते हुए कहा है कि झारखंड में गोवध निषेध कानून को सख्ती से लागू किया जाएगा। पदभार ग्रहण से पूर्व झारखंड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद एवं उपाध्यक्ष राजू किरी का प्रभार ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चारण और गौ माता के पूजन एवं शंख ध्वनि के साथ हुआ। आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने संयुक्त रूप से गौ पूजन किया।
BBMKU में धनबाद और बोकारो के पहुंचे छात्रों का हंगामा। स्नातक के सेमेस्टर वन में 72% छात्रों के फेल होने, सेमेस्टर वन के चंद दिनों में ही सेमेस्टर दो की परीक्षा और उसके विषयों में बदलाव समेत अन्य मामलों को लेकर धनबाद और बोकारो के छात्र छात्राओं ने विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय का घेराव कर दिया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे छात्रों को NSUI ने समर्थन दिया है। नाराज छात्र विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार को घेर कर बैठ गए, न किसी को अंदर प्रवेश करने दे रहे और न ही बाहर निकलने दे रहे। शिक्षकों को अंदर जाने से रोक दिया गया, कई शिक्षक विश्वविद्यालय के बाहर खड़े हैं। वहीं पीजी छात्र छात्राओं को भी बाहर रोक दिया गया। काफी इंतजार के बाद अब पीजी छात्र छात्राएं वापस लौट रहे हैं। विष्णु अग्रवाल से 6 घंटे तक हुई पूछताछ। जमीन घोटाला मामले में झारखंड के बड़े कारोबारी विष्णु अग्रवाल से ईडी ने बुधवार को 9 घंटे तक पूछताछ की है। विष्णु अग्रवाल दिन के 10:50 पर ईडी के रांची जोनल ऑफिस पहुंचे थे, जिसके बाद उनसे जमीन घोटाला मामले में लंबी पूछताछ हुई। बता दें, ईडी ऑफिस में अधिकारियों ने विष्णु अग्रवाल से चेसायर होम रोड स्थित एकड़ जमीन की डील फर्जी कागजातों के आधार पर किए जाने के संबंध में सवाल पूछे। वही विष्णु अग्रवाल से प्रेम प्रकाश से कारोबारी रिश्तों को लेकर भी लंबी पूछताछ हुई। राजभवन में योगासन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर झारखंड के राजभवन में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्यपाल ने भी योगासन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान पूरी दुनिया ने योग की अहमियत समझी, इसलिए इसे जीवन का हिस्सा बनाए। बता दें, 21 जून को देश के सभी विभागों, स्कूलों, निजी कंपनी के दफ्तरों में योग दिवस के मौके पर लोगों को योग का महत्वपूर्ण बताया गया। बड़ी बड़ी हस्तियों ने योगासन किया। इसका असर झारखंड के राजभवन में भी दिखा। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि योग भारत का दुनिया को अमूल्य उपहार है। यह ऐसी साधना प्रक्रिया है जो न सिर्फ शरीर को बल्कि मन को भी स्वस्थ रखती है। राज्यपाल की कार्यशैली पर सियासी बवाल। झारखंड में एक बार फिर राजभवन और राज्य सरकार के बीच खटास बढ़ने लगी है। इसके पीछे का वजह राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के द्वारा हाल के दिनों में धुआंधार हो रहे क्षेत्र भ्रमण और इस दौरान अधिकारियों को दिए जा रहे निर्देश हैं, जिसने सरकार के अंदर बेचैनी बढ़ा दी है। इसके अलावा राजभवन द्वारा आपत्तियों के साथ डोमिसाइल बिल और ओबीसी आरक्षण संबंधी विधेयक वापस किया जाना भी खटास बढ़ने का मुख्य कारण माना जा रहा है। बता दें, डोमिसाइल बिल और ओबीसी आरक्षण संबंधी विधेयक झामुमो के चुनावी घोषणा पत्र में था और विधानसभा से पारित होने के बाद आम जनमानस को इसको लेकर काफी चर्चा हो रही थी। सांसद संजय ने राज्य सरकार पर बोला हमला। सांसद संजय सेठ ने राज्य सरकार पर केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं को राजनीतिक विद्वेष की वजह से लटकाने का आरोप लगाया है। मोदी सरकार के 9 साल के उपलब्धियों को बताते हुए संजय सेठ ने कहा है कि झारखंड में जिस तरह से जल जीवन मिशन की स्थिति बनी हुई है, उससे साफ लग रहा है कि राज्य सरकार इसके प्रति जानबूझकर उदासीन बनी है। बिजली पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, मगर सरकार मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में लगी हुई है। सांसद संजय सेठ ने राजधानी सहित राज्य भर में बिजली पानी को लेकर मचे हाहाकार के लिए हेमंत सरकार को दोषी माना है। झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आंदोलन की राह पर। झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ के विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के उदासीन रवैया के कारण राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों में काफी रोष देखा जा रहा है। इस रोष के कारण झांसा के कार्यकारिणी की आकस्मिक बैठक भी बुलाई जाने की सूचना है, जिसकी अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष रंजीत हेम्ब्रम ने की। बैठक में बारी बारी से सभी सदस्यों ने अपने विचार रखे, जिसमें सरकार के प्रति काफी रोष व्यक्त किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि सरकार हमारी मांगे के प्रति संवेदनशील रवैया नहीं अपनाती है तो संघ आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। अब अपनी मांगों को लेकर संघ आंदोलन की रणनीति बनाने में जुटा है। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें। थैंक यू।